मथुरा वृंदावन में अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद अब यमुना का जलस्तर कम होने लगा है। अधिकांश क्षेत्रों में यमुना का जलस्तर उतरने लगा है। परिक्रमा मार्ग पर बाराहा घाट, कालीदहा, चीर घाट, भ्रमर घाट और अकेशी घाट समेत अन्य घाटों पर यमुना का जलस्तर 1 से 2 फुट तक नीचे उतरा है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं खादर बनी अवैध कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। यमुना के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है और ये जो मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं ये मथुरा का नजारा है और मथुरा में यमुना जी किस तरीके से बह रही हैं ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना है। ऐसे में जो यमुना जी का जो प्रवाह है, जो आप ये जल का प्रवाह देख रहे हैं, आप देखिए कितनी तेज है, क्योंकि आमतौर पर जिस स्थान पर यमुना जी बहती थी उससे काफी ऊपर अभी यमुना जी है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना इस समय बह रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार सभी से यही अपील कर रहे हैं कि वो अभी यमुना के घाटों पर जाने से बचें, क्योंकि मथुरा वृंदावन आने वाले दर्शनार्थियों की इच्छा यह रहती है कि वो यमुना पान करें। ऐसे में यमुना का जो जलस्तर है अभी काफी ऊपर है, क्योंकि जो अलर्ट वाला जो चिन्ह है उससे ऊपर अभी यमुना बह रही है। तो ऐसे में प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं, जो लोग हैं एनडीआरएफ और नगर निगम के उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां कोई व्यक्ति इन किनारों पर ना आए इसके लिए जगह जगह पर टीमों को तैनात किया गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। खासतौर पर मथुरा में जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा है, यहाँ पर आने वाले भक्तों को भी ये अपील की गई है कि वो यमुना किनारों से दूर रहें, जिससे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए चेतावनी बोर्ड भी यहां पर लगाया गया है कि जो यमुना का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इससे आगे जाना वर्जित है। अमूमन तौर पर यहां पर जो सीढ़ियां होती थी, लोग यहां पर नीचे सीढ़ियों पर बैठते थे, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है वो बिल्कुल और है, क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ा है। उसके साथ ही प्रशासनिक टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अभी भी यमुना से दूरी बनाए रखें। जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्रशासन की टीमों द्वारा किया जा रहा है और राहत सामग्री भी सरकार की ओर से उनको दी जा रही है। चैनल शर्मा, जी मीडिया, मथुरा।